और एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही, पशु वैक्सीनेटर सहायक मैत्री वालों के लिए तथा पशु एम्बुलेंस सेवा के लिए एक और नई अपडेट आ रही है। देख रहे हैं मेरठ से, देश के करीब हर राज्य में आम आदमी के लिए तो मुफ्त एम्बुलेंस सेवा चलाई जाती है। अब वह दिन दूर नहीं जब गौ माता के समेत सभी पशुओं के लिए मुफ्त इलाज के लिए भी सेवाएँ शुरू हो जाएंगी। कुछ जगहों पर ये सेवाएँ शुरू भी कर दी गई हैं और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है संख्या में कर्मचारियों की भी जो है भर्ती होगी, क्योंकि कर्मचारियों के द्वारा ही जो इलाज कराया जाएगा वो कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ रही है पशु एम्बुलेंस सेवा में। पशु एम्बुलेंस सेवा में एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन पदों पर खाली है जगह है वैकेंसी, वहाँ पर एक बार फिर से वैकेंसी जो है क्या है और क्या जानकारी है और कितनी सैलरी रहने वाली है, पूरी बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं पेपर की कटिंग, मेरठ के करीब 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 राज्य में आम आदमियों के लिए तो मुफ्त एम्बुलेंस सेवा यानी फ्री एम्बुलेंस सेवा चलाई जा रही है और इसके लिए अब गौ माता समेत सभी पशुओं के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा जो है चलाई जाने वाली है। इससे किसी बीमारी की स्थिति में पशुधन को तत्काल इलाज के लिए ले जाया जाएगा, इसकी पहल केंद्र सरकार ने की है। शुरुआत में 450 यानी कि 4,500 एम्बुलेंस इसके लिए तैनात की जाएंगी और यह ज़रूरत पड़ी तो और भी एम्बुलेंस इसमें जो है शामिल की जाएंगी। तो शुरुआत में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जो है एक साथ इस सेवा को चलाया जाएगा और ये केंद्र सरकार की सेवा है और इसके लिए सबसे पहले 4,500 एम्बुलेंस यानी कि 4,500 एम्बुलेंसों के साथ साथ में ड्राइवर की भी व्यवस्था होगी, साथ में जो स्टाफ होगा इलाज करने के लिए उसकी भी जो है एक नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, जितने भी लोग पशु एम्बुलेंस और जितने भी पशुपालन विभाग में लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 4,500 एम्बुलेंस ड्राइवर तो रहेंगे ही साथ में, शुरुआत में उसके साथ साथ जो है एक स्टाफ की भी जो है व्यवस्था की जाएगी। तो अगर आप इन में होना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है पता लगाते रहिए और उसमें आप जा करके आवेदन कर सकते हैं ताकि आपका नाम सबसे पहले जो है सिलेक्ट हो सके, क्योंकि इसमें पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर काम होगा, जो पहले जाएगा उसी पहले जो है सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए है उत्तर प्रदेश से। मिलेंगे हम ऐसी ही खबरों के साथ में नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बात दोस्तों मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाने में हमें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को और फैमिली के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।